435 400 करते अरना तेरी सरकार का नाश कराएंगे। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में चुनाव से पहले खट्टर सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई है। जी हां, दरअसल प्रदेश भर में हजारों क्लर्क 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, क्लर्कों की हड़ताल पर जाने का कारण है उनका वेतन न बढ़ना। 98 विभागों और 138 बोर्ड निगमों में कार्यरत क्लर्कों ने ग्रेड पे 19,900 से बढ़ाकर 35,400 करने की अपनी पुरानी मांग उठाई है। प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों के मुताबिक, जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है तब से सरकार ने समय समय पर कई पदों के वेतन को बढ़ाया है, चाहे वो अध्यापक हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फिर जेई हो। इन सभी पदों के लिए सरकार ने वेतन को बढ़ाया है, लेकिन तब से अब तक क्लर्कों के वेतन को एक बार भी नहीं बढ़ाया गया। क्लर्कों के मुताबिक, एक समय पर अध्यापक, नर्सिंग स्टाफ, जेई या फिर अन्य पदों पर तैनात कर्मचारियों का वेतन क्लर्क के पद पर तैनात कर्मचारियों के बराबर होता था, लेकिन 7वें वेतन आयोग तक क्लर्क के पद पर वेतन अन्य पदों की तुलना में अपग्रेड नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के मुताबिक, उन्होंने कई बार सरकार के सामने अपनी बात रखी, कई बार पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई। बता दें, क्लर्क लंबे समय से अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रही है। इससे पहले साल 2014 में भी क्लर्कों ने इस मांग को लेकर आंदोलन किया था। तब करीब 3 दिन तक चले आंदोलन के बाद तत्कालीन हुड्डा सरकार ने क्लर्कों की मांग मान ली थी। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले हुआ था। उसके बाद हरियाणा में सरकार बदल गई थी और हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जारी हुई अधिसूचना आज तक मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने लागू नहीं की है। तो दूसरी तरफ क्लर्क की हड़ताल की वजह से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सिर्फ फरीदाबाद जिले में 2 दिन में 3 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान होने की खबरें सामने आई है। लेकिन बावजूद इसके खट्टर सरकार क्लर्कों की बात सुनने को तैयार नहीं है और क्लर्कों ने आर पार की लड़ाई जो है अब वो छेड़ दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।